व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दानिश तैमूर एंड सारा खान स्टारर अपकमिंग मेगा ड्रामा सीरियल जिसका नाम कंफर्म है कि तबाह हो गए होने वाला है, लेकिन हो सकता है कि मेकर्स इसके रिलीज के वक्त इसका नाम चेंज कर दे। खैर, अगर हम इस पर एक क्विक एनालाइजिंग करें तो व्यूअर्स, इस मेगा ड्रामे को प्रोड्यूस कर रहे हैं आई ड्रीम एंटरटेनमेंट और सोर्सेज के मुताबिक इसमें दानिश तैमूर के कैरेक्टर का नाम सरफराज जबकि सारा खान की कैरेक्टर का नाम निरहा होने वाला है। और वेरी सरप्राइजिंगली काफ़ी अरसे बाद इसमें प्रोबेबली अकॉर्डिंग टू सोर्सेज दानिश तैमूर एक गरीब लड़के का रोल प्ले कर रहा है जबकि सारा खान एक रिच गर्ल का रोल प्ले कर रहा है जो कि काफ़ी सरप्राइजिंग है। और व्यूअर्स, चूंकि इस ड्रामे को आई ड्रीम एंटरटेनमेंट की टीम प्रोड्यूस कर रही है और ये आई ड्रीम एंटरटेनमेंट का नेक्स्ट मेगा ड्रामा होने वाला है तो डेफिनेटली आई ड्रीम एंटरटेनमेंट की टीम इस पर काफ़ी ज़्यादा पैसा और एफर्ट खर्च करेगा जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये दानिश तैमूर के पिछले ड्रामों से काफ़ी मुख्तलिफ और काफ़ी स्ट्रॉन्ग साबित होगा। बाकी नाज़रीन, ड्रामे को डायरेक्ट कर रहे हैं एहसन तली जो कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और लिखा है जंजीबिल आसिम शाह ने। तो हर एंगल से अगर हम इस ड्रामे को देखें तो इस ड्रामे की तमाम चीज़ें टॉप क्लास की है जिसकी वजह से इस ड्रामे के अराउंड एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं जबकि दानिश तैमूर और सारा खान को एक साथ देखने की फैंस की काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी थी। इन्हें एक ड्रीम कपल बताया जा रहा था और फैंस की ही प्रिफ्रेंसिस को देखते हुए ड्रामा मेकर्स ने इन दोनों को कास्ट की है जिसकी वजह से भी इसके अराउंड हाइप काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है। तो व्यूअर्स, फिलहाल अभी तक ड्रामे की शूटिंग अकॉर्डिंग टू सोर्सेज स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन अगले मंथ या बहुत ही जल्द ड्रामे की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगा और इस ड्रामे को मुझे लगता है कि हम प्रोबेबली 2025 के शुरू तक ही ARYDS पर देखने वाले हैं और ये आई ड्रीम एंटरटेनमेंट के ही किसी ड्रामे के स्लॉट को रिप्लेस करेगा। तो अभी ड्रामा सीरियल रथ आई ड्रीम का चल रहा है, उसके बाद रथ को प्रोबेबली ड्रामा सीरियल सफ़ेद खून जो कि आई ड्रीम एंटरटेनमेंट का ही रिप्लेस करेगा और उसके बाद मुझे लगता है कि सफ़ेद खून को ही ये ड्रामा रिप्लेस करने वाला है ओनली ऑन ARYDS। तो व्यूअर्स, ओवरऑल आप लोग दानिश तैमूर और सारा खान की हाई ऑन फायर केमिस्ट्री को पहली बार टीवी स्क्रीन्स पर देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएगा। और अगर ये छोटी सी एनालाइजिंग और अपडेट पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।